हेलो एवरीवन, वापस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल करियर लर्निंग में। जैसा मैंने आपको बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक कि मैं उसकी आपके लिए डीआईवी लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको ख़त्म कर दिया है, तो आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की डीआई लेके आया हूँ जो आपके किसी भी पीओ के प्री एग्जाम्स में या फिर आपको बाकी एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। पीओ प्री में मिल जाए, एसबीआई पीओ प्री में मिल जाए, या किसी क्लर्क मेंस वगैरह के एग्जाम में भी इस टाइप की डी आपको देखने को मिल सकती है। डी इज टू मच इम्पोर्टेंट एंड बेस्ड ऑन द सिंपल एंट्रेंस। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप चैनल को अभी आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनिंग की एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आपने वीडियोस को वॉच नहीं करा ऐसे प्रीवियस वीडियोस को, तो इनको भी देखना है। एंड बाकी इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस की वीडियोस भी मैंने आपके लिए डाल दी है। यस, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट पे डीआई है, डीआई में रीड करता हूँ क्या बोला उसने। द डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। देर आर फोर पर्सन गिवन, फोर पर्सन का डाटा दे रखा है उसने। द फर्स्ट वन इज अनिर्बन, अमृता, प्रियंका एंड श्रबोनी, ओके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर, गाइस मिसिंग डाटा डीआई है, कुछ डाटा यहाँ पे मिसिंग भी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अरिन बैन इज 8%, फॉर अमृता इज 4%, फॉर प्रियंका इज 6% एंड श्रबोनी का डाटा यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करूँ तो अनिर्बन के लिए नहीं दे रखा है, अमृता के लिए दे रखा है, प्रियंका के लिए नहीं दे रखा एंड श्रबोनी के लिए डाटा दे रखा है। टाइम अरिंद बहन के लिए नहीं दे रखा है, अमृता के लिए दे रखा है, प्रियंका के लिए दे रखा है एंड श्रबोनी के लिए नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये टेबल मैंने रीड कर लिया है, एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को आप बहुत अच्छे से केयरफुली रीड कर लें। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब अगर कोई भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ना, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। यू विल ट्रीट दैट इंटरेस्ट एज द सिंपल इंटरेस्ट, उसको आप एज अ सिंपल इंटरेस्ट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा, तो मैं मूव करता हूँ सीधे क्वेश्चन पे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। इफ अनिर्बन अर्न 2,000 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी ही इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। उसको 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला, जो भी रुपीज ने इन्वेस्ट करा, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, देन हाउ मच मोर मनी एज इंटरेस्ट ही वुड अर्न इफ ही इन्वेस्टेड द सम इन कंपाउंड इंटरेस्ट विद द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड से फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम पीरियड, ठीक है। उसने बोला देखो, अपनी मनी को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा 2 ईयर के लिए, तो उसे 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो मैं एक बार टेबल को देख लेता हूँ। अब एक बात बताओ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है ना। तो अगर 1 ईयर का 8% है फ्रेंड्स, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इफ द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 8%, तो अगर मैं 2 ईयर की बात करूंगा तो 2 ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16% हो जाएगा, ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो। एंड 16% की जो वैल्यू उसने दे रखी है, दैट इज गिवन एज 2,000 रुपीज, 16% के लिए 2,000 रुपीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, मतलब जो प्रिंसिपल जो उसने मनी इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, वो कितनी इन्वेस्ट की थी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,000 डिवाइड बाय 16, इसको आप सॉल्व करोगे 8 से कैंसिल कर लो, 8 से दिस इज फॉर 250 टाइम्स, 8 से दिस इज फॉर 2 टाइम्स, 250 का 2 से डिवाइड करा दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 250 रुपीज। अगर 1% की वैल्यू 250 रुपीज है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25,000 रुपीज। मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो उसने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा, जो पैसे उसने इन्वेस्ट करे, वो कितने इन्वेस्ट किए थे उसने, 25,000, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। उसने बोला इफ द सेम इंटरेस्ट, अगर यही इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ना होकर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो उसे कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, इफ द रेट इज 8%, तो हमेशा एक बात याद रखनी है आपको, सीआई में क्या होता है, अगर 2 ईयर का आपको डाटा पता करना है ना, तो मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था और प्रॉफिट लॉस में भी बताया था। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाय 100, अगर टू इंटरेस्ट इज गिवन, तो इससे आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। अम द रेट इज 8%, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 + 8 + 8 × 8 = 64/100। तो इसको मैं कैलकुलेट करना, तो यह आ जाएगा आपका 16.64%। अब आप खुद सोचो, 16.64% जो सी आई इफेक्टिव रेट, ठीक है, और आपका एस आई का रेट क्या बन रहा था, एस आई रेट है 16%, तो कितना ज्यादा मिलेगा उसके लिए क्या करोगे आप, डिफरेंस करोगे, एंड वेन यू टेक द डिफरेंस तो 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 0.64%। तो अब आप क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट 0.64% ऑफ
12,500। तो जब आप भी कैलकुलेट करोगे फ्रेंड, 0000 और इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी 80 रुपीज। मींस यू विल गेट 80 रुपीज एज इंटरेस्ट मोर, मींस यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, माई मिस्टेक, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है फ्रेंड, इसको जरा ठीक कर लेना। सॉरी, मैंने 250 को 2 से डिवाइड कराओगे ना तो दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका 125 एंड ये हो जाएगा आपका 12,500। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ी मिस्टेक थी तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, योर आंसर इज 80 रुपीज, मीन्स यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर 40। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। यस, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ प्रियंका इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज फॉर द टाइम गिवन अबव, ठीक है, बट आफ्टर 3 इयर्स सी विथड्रॉन, सी विथड्रू हाफ द सम इन्वेस्टेड ड्यू टू अर्जेंट नीड, देन फाइंड हाउ मच लेस मनी सी गॉट एज इंटरेस्ट। अब आप खुद सोचो कि प्रियंका स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट कर, डिटेबल में देखता हूँ। प्रियंका ने 6% रेट पे 4 ईयर के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो आप खुद सोचो अगर मैं उसके रेट की बात करूँ टोटल, तो उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 24% का हो गया। तो अगर मैं और 24% का उसको रियल में मिलना चाहिए था, कितने रुपीज़ पे, 20,000 पे, तो 24% अगर मैं 20,000 का कैलकुलेट करूँगा एंड परसेंटेज हटाओगे तो 0 से डिवाइड करा दोगे, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, 4,800 रुपीज़। बट हुआ क्या, आफ्टर 3 ईयर सी विड्रॉ हाफ ऑफ द सम इन्वेस्टेड, तो उसने 3 ईयर क्या विड्रॉ कर लिया, मतलब 3 ईयर तक तो उसे इंटरेस्ट मिला, तो आपको सोचो 6% 3 ईयर के लिए अगर उसे मिलेगा तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 18% तो उसको मिला ही मिला, 18% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 18% ऑफ कैलकुलेट कर दोगे इसका 20,000 का, तो मैं 18% अगर कैलकुलेट करूंगा तो 18/100 डिवाइड बाय 20,000, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 0000 3600 यहाँ से मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करा उसने, इसके बाद हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लेगा तो उसके पास मनी कितना बचा, 10,000 एंड रेट कितना उसका, 6%। अब 1 ईयर की तो बात बची है केवल, उसके बाद 1 ईयर का आप कैलकुलेट करोगे 6% से, तो 6% से आप कैलकुलेट करोगे 0000 या हो गया आपका 600 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिला, 3600 प्लस 600 मींस उसे मिला 4200 जब उसने विड्रॉ किया, एंड उसका एक्चुअल अमाउंट क्या था, 4800, एक्चुअल इंटरेस्ट वाज 4800 और यहाँ पे मिल रहा है उसे कितना, 4200, इनका डिफरेंस मतलब उसे कितना कम मिला, उसे कम मिला 600 रुपीज, मींस उसे 600 रुपीज इंटरेस्ट कम मिलेगा, मींस यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप वीडियो को वापस से थोड़ा पीछे जाके देखें एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड पूरा एंड तक देखें फ्रेंड्स, बिकॉज ये DI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऐसे DI आपको मिलेंगी, नहीं बिल्कुल मिलेंगी, तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत है क्वेश्चन में तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके वापस से देखें, ठीक है। चलो तो मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन में क्या कहता है, द इंटरेस्ट अर्नड बाय अमृता एंड शर्बोनी आर इक्वल, देन फाइंड द टाइम फॉर विच शर्बोनी इन्वेस्टेड हर मनी। अमृता एंड शर्बोनी का इंटरेस्ट इक्वल है, तो अमृता की बात कर लेते हैं, ठीक है। अमृता का मैंने टेबल में देखा, अमृता को 8,000 का अमाउंट है, प्रिंसिपल है, 3 ईयर के लिए उसने इन्वेस्ट करा 4%, तो 4% 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। तो आप 8,000 का 12% कैलकुलेट करोगे, अगर मैं 8,000 का 12% कैलकुलेट करूंगा तो 8,000 का 12% कितना हो जाएगा, द 12% ऑफ 8,000 विल बी, ये हो जाएगा आपका 960 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिला अमृता को, ठीक है। अब उसने मतलब शिरबोनी को भी इतना मिला है, तो 960 भी शिरबोनी का होगा। अब शिरबोनी के बारे में बात कर लेते हैं, शिरबोनी का अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, बट गाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बोथ आर नॉट गिवन, दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आप खुद सोचो अगर दोनों में से आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है फ्रेंड्स, तो आप इंटरेस्ट रेट कैसे पता करोगे, देयर इज नो वे, एंड टाइम भी आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि देखो इंटरेस्ट रुपीज में इक्वल है ना, रेट तो नहीं इक्वल है। तो अगर ये नहीं इक्वल है तो आपको टाइम कैसे भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि टू वेरिएबल्स आर अननोन। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी, मींस यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, आपको आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या बोला, टाइम इज नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नॉट गिवन, मीन्स टू वेरिएबल आर अननोन। अगर ऐसी कंडीशन है और एक ही अप्रूव इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स अननोन है, तो आप आंसर कभी नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो 138 के मूव करते हैं 139 पे।
यस 139 में क्या कहता है, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय अनिल बैन एंड प्रियंका इज 15,600 रुपीज, ठीक है 15,600 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिला, एंड द मनी इन्वेस्टेड बाय अनिल बैन अनिर्बन इज ट्वाइस द मनी इन्वेस्टेड बाय प्रियंका हु इन्वेस्टेड 25,000 रुपीज। आप खुद सोचो इफ द प्रियंका हैज इन्वेस्टेड 25,000 रुपीज तो अनिर्बन ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 50,000 रुपीज, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर उसने 25,000 इन्वेस्ट करा है तो उसने उसका डबल इन्वेस्ट करा है, ठीक है तो उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, उसने इन्वेस्ट किया होगा आपका 50,000 रुपीज, ठीक है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं देखता हूँ, अब उसने बोला कि टोटल इंटरेस्ट दोनों को मिला कितना 15,600 रुपीज, देन फाइंड द टाइम फॉर विच अनिर्बन हैज इन्वेस्टेड, ठीक है तो पहले प्रियंका की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब प्रियंका का अमाउंट तो मुझे पता चल गया, अब प्रियंका की रेट कितनी है 6% है एंड टाइम कितना आपका 4 ईयर, तो 24% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है तो आप 25,000 का 24% अगर कैलकुलेट करोगे तो 0000 250 × 24 यहाँ से इंटरेस्ट आ गया आपका 6,000 रुपीज। मीन्स इस 15,600 रुपीज में से प्रियंका का इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपीज, तो 15,600 में से अगर मैं 6,000 को माइनस करा दूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि अनिर्बन को कितना इंटरेस्ट मिला है, उसको इंटरेस्ट मिला है आपका 9,600 रुपीज का, कितने रुपीज पर मिला है 50,000 रुपीज पर। अब अनिर्बन का इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, द इंटरेस्ट रेट फॉर अनिर्बन इज 8%, तो आप क्या करोगे यू विल कैलकुलेट 8% ऑफ 50,000, आप सबसे पहले 50,000 का 8% कैलकुलेट करोगे जिससे आपको समझ में आ जाए 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ठीक है तो अगर मैं 50,000 का 8% कैलकुलेट करता हूँ तो 0000 तो 500 × 8 ये इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड्स आपका 4,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया आपका 1 ईयर का, और उसको मिला कितना 9,600। तो टाइम पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप टोटल इंटरेस्ट को 1 ईयर के इंटरेस्ट से डिवाइड करा दोगे, तो आप 4,000 से इसको डिवाइड करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0000 मीन्स 2.4 ईयर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 ईयर। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में इज इट प्रेजेंट और नॉट, यस इज इट प्रेजेंट, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मीन्स यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर 2.4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट वन पे। गाइस डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट पे डीआई, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं पहले टॉपिक कंप्लीट करूँगा उसके बाद आपसे डीआई कंप्लीट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ना लेके फर्स्ट आई विल स्टार्ट टाइम एंड डिस्टेंस, मैं पहले टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय श्रबोनी इफ शी इन्वेस्टेड द सम फॉर 2 ईयर एंड गॉट 260 लेस इंटरेस्ट Then अमृता got for her investment। तो पहले अमृता की बात कर लेते हैं, ठीक है तो अमृता की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो अमृता 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करा 4% के रेट पे 3 ईयर के लिए, मीन्स तो मैं अगर अमृता का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो 8,000 रुपीज पे उसको इंटरेस्ट मिला 12% का, ठीक है 4% फॉर 3 ईयर, तो 12% से आप कैलकुलेट करोगे इसका इंटरेस्ट तो 0000 मीन्स 960 रुपीज का इंटरेस्ट मिला किसको, अमृता को, ठीक है। तो अगर अमृता को फ्रेंड्स आपका 960 मिला है, अगर अमृता को 960 मिला है तो उसको कितना मिला होगा श्रबोनी को, 260 लेस, तो आप इससे 260 क्या करा दोगे माइनस करा दोगे, तो 960 माइनस 260 ये हो जाएगा, मतलब मुझे समझ में आ गया श्रबोनी को इंटरेस्ट कितना मिला, उसको इंटरेस्ट मिला आपका 700 रुपीज का, ठीक है। अब 700 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे श्रवणी पे चेक करना है, तो श्रवणी का जो सम है उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, दैट इज 12,000। अब 12,000 पे इसका रेट परसेंट निकाल दोगे, तो अगर मैं इसका रेट परसेंट कैलकुलेट करता हूँ तो 700 का इंटरेस्ट ऑन 12,000 एंड 4% आप क्या करोगे 100 से इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। तो 0000 से 0 कैंसिल, 70/12 और उसको डिवाइड करा दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी 5.8%, आपका आंसर आएगा 5.8%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, मीन्स यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ई, समझ में आ गया आपको। रेट आपको कैलकुलेट करना था श्रमोनी के लिए, सी इन्वेस्टेड द सम फॉर 2 ईयर्स एंड हाँ सॉरी फ्रेंड्स एक मिस्टेक और, 5.8% जो इंटरेस्ट ना 2 ईयर के लिए, एंड वो बात कर रहा है 1 ईयर के लिए, तो आप क्या करोगे इसमें 2 से डिवाइड और करा दोगे, यू विल डिवाइड 5.8/2 मीन्स आपका जो आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 2.8
9% मीन्स यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।